नमस्कार सो लास्ट इन द लास्ट क्लास यू नो वी स्पोक अबाउट लिटरेचर सो वील जस्ट कैरी दैट फॉरवर्ड एंड टूडे विल टॉक अबाउट स्टोरीज यू नो स्टोरी कहानी कथा क्या है ये सब है ना सो so आज हम इस पर बातचीत करेंगे सो इन अ वे यू नो अगेन जैसे अब हम बात कर रहे हैं लिटरेचर एंड सेम विद स्टोरी यू नो दीज आर थिंग्स वी नो क्या है बट इट इज सॉर्ट ऑफ़ डिफिकल्ट टू डिफाइन जैसे अगर आपसे कोई पूछे भाई कहानी क्या होती है तो आप बोले कहानी कहानी होती है ना बट अगैन सो सॉर्ट ऑफ अ वर्किंग डेफिनेशन यू कुड से स्टोरी और कनेक्टेड इवेंट्स थीम्स रियल और इमेजनरी प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और इमेज़ एंड साउंड एट्सेट्रा यू नो तो बेसिकली मतलब क्या है कि एक तरह से आप कहानी अगर आपको एक परिभाषा देनी है तो आप बोल सकते हैं कि एक कथन है कुछ घटनाओं का कुछ लोगों का किरदारों का चाहे वो हकीकत पे बेस्ड हो या फिर बिल्कुल ही काल्पनिक हो इस पे भी एक जो हम बात करेंगे फैक्ट एंड फिक्शन पे और फिर ये क्या है या तो शब्दों के द्वारा इन्हें पिरोया गया है बताया गया है या फिर Um, क्या है इमेज़ के द्वारा तस्वीरों के द्वारा या फिर साउंड बिकॉज ऑल्सो यू नो म्यूजिक कैन ऑल्सो हैव अ स्टोरी यू नो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड्स यानी लिरिक्स कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जिसमें शब्द नहीं है बोल नहीं है लिरिक्स नहीं है बट स्टिल यू नो दे इज अ सेंस ऑफ स्टोरी हैप्पी साउंड सैड साउंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो या इनो वे इट लाइक यू नो कहानी कविताएँ मूवीज जो हमारे जो पुराने जो कहानियाँ हैं कथाएँ हैं गीत हैं पेंटिंग्स हैं स्कल्पचर एवरी थिंग यू नो सॉर्ट ऑफ टेल्स अ स्टोरी सो एंड यू नो इंसान जो हैं, ओइंग टू आर क्रिएटिव माइंड एंड यू नो आर फैसिलिटी फॉर लैंग्वेज एंड आर कंसेप्शन ऑफ टाइम और एज यू नो इंसान इज़ मॉर द स्पीशीज़ दैट यू नो रियली वॉन्ट्स टू कम्यूनिकेट एंड शेयर आइडियाज़ इंफॉर्मेशन इन फैक्ट बिकॉज ह्यूमन बींग्स वर एबल टू यू नो गैदर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है रीजनज दैट यू नो वी वॉल्टू सच एन एक्सटेंट यानी कहीं ना कहीं भाषा और जो ये कहानी पैटर्न ढूंढने की जो क्षमता है एबिलिटी या फिर कहानी बनाने की एबिलिटी या पहचान बनाने की एबिलिटी है जो इंसान में क्षमता है इन्हीं के द्वारा शायद इंसान जहाँ है यानी बाकी जानवरों से आगे पहुँचा है राइट right? और हम ये सब यानी वी हैव बिन डूइंगल दिसम इन मेमोरियल ये सदियों से चल रहा है ये काम यू you नो know? जैसे पुरानी सभ्यताएँ हैं अगेन एज वी स्पोक इन द लास्ट क्लास ओरल ट्रेडिशंस ओरल स्टोरी टेलिंग यू नो ईजिप्ट में थी मैसेपोटेमिया इंडिया ग्रीस चाइना जितने भी पुराने ट्राइबल कल्चर्स हैं वी ऑल हैव आर मिथ्स एंड लेजेंड्स यू नो और कई इन्हीं मिथ्स एंड लेजेंड से फिर आगे जाके एपिक्स और स्क्रिप्चर्स बने यानी कि जो धार्मिक जो पुरानी किताबें हैं हमारी वो सब बनी तो ये सब है ठीक है बट ऑल्सो यू नो देर आर अदर एस्पेक्ट्स टू स्टोरी टेलिंग ऑल्सो क्योंकि अगर आप देखा जाए कि जैसे यू you नो know, एक तरह से हम जैसे वी स्पोक अबाउट इट लास्ट टाइम ऑल्सो स्टोरी टेलिंग इज़ यू कुड कॉल इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट राइट कुछ करने को नहीं है शाम हो गई है सारा काम हो गया दिन का सो यू सिट एंड यू नो एक्सचेंज स्टोरीज़ अभी भी यू you नो know, ये सब हम करते हैं जब हम मिलते हैं एक दूसरे से तो इवन दो वी टेल वेरी सिंपल स्टोरीज़ कि हाँ कल रात को पता क्या वो ये हुआ यू नो घर पर ऐसा हुआ जो भी हुआ सो दीज आर ऑल्सो स्टोरीज राइट सो स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी शेयरिंग इज़ वेरी नेचुरल टू अस यू नो ये एक इंसानों की एक बहुत ही एक कोर हमारा गुण है <coughs> तो ये कम्युनिकेशन ये सब है ही बट एट द सेम टाइम दैट्स वाई यू नो स्टोरीज आर इंटीग्रल टू आर आइडेंटिटी इज़ यू नो कहीं ना कहीं जो कहानी बनाने की क्षमता है उससे हमारी कल्चरल और इंडिविजुअल आइडेंटिटी सांस्कृतिक तो है ही आसपास सामाजिक आइडेंटिटी पहचान है और साथ ही एक अपनी पहचान भी है नो कहानियों से जुड़ी नहीं तो आप देखें ना क्योंकि बेसिकली साइकोलॉजी अगर आप देखें तो कहानियों के द्वारा मेमोरी के द्वारा ही आप जो है जो भी आपका नाम है जैसे मेरा नाम ईशान है सो वॉट इज़ दिस आइडिया ऑफ ईशान कहीं ना कहीं कहानियाँ ही हैं ना कि हाँ इसका जन्म यहाँ हुआ था इस समय भी इसने ये किया था यहाँ से स्कूलिंग की है एक बार इसके साथ ये हुआ था एक बहुत यू नो ऑल दीज इवेंट्स इन आर लाइफ सॉर्ट ऑफ स्टोरीज़ यू नो अच्छे हो या फिर बुरे हो बट कहीं ना कहीं ये सब हमारी कहानी का हिस्सा है और इसी के चलते हम अपनी पहचान बनाते हैं कि मैं ये इंसान हूँ मैं ये मुझे ये पसंद है ये नापसंद है इट्ट्रा इट्सेट्रा इट्सेट्रा और वैसी इफ़ यू टेक दिस इन अ लार्जर स्केल व्यक्ति से बाहर निकल के अगर आप समाज को देखें तो वैसे ही अगर समाज या फिर किसी एक कल्चर की कहानियाँ उनकी पहचान दर्शाते हैं है ना चाहे मित्स हो या फिर जो नुस्खे हो कई चीज़ें हैं और इन्हीं स्टोरीज के द्वारा ओरल ट्रेडिशन यू नो एज़ टू बी पास डाउन डाउन जनरे ये एक तरीका है यू नो टू पास डाउन नॉलेज एंड वैल्यूज एक अपने समाज का राइट एंड दीज थिंग्स यू सी इट इन ऑल दी ओल्ड कल्चर्स एस लेकिन ट्राइबल कल्चर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको पता ही है ये सब राइट और साथ ही साथ क्या है जैसे हम पिछले क्लास लिटरेचर के बारे में जो हमने बात की थी वी स्पोक अबाउट इट आल्सो यू नो इट्स आल्सो अबाउट जैसे एक अच्छी कहानी क्या है आपको बहुत कुछ एक किसी जगह या फिर किसी संस्कृति या किसी समय के बारे में इट कैन टेल यू अ लॉट यू नो अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर कल्चर अबाउट देर साइकोलॉजी इस लोग क्या मानते हैं फॉर इंस्टेंस यू नो लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट एंड फिक्शन फिक्शन क्या है मिथ्या या फिर जो काल्पनिक चीज़ें एंड फैक्ट आर तथ्य फैक्ट्स आर फैक्ट्स यू नो कि um, uh, मेरा नाम ईशान मारवल है मैं भरमौर कॉलेज में पढ़ाता हूँ इट इज़ अ फैक्ट बिकॉज आई डू इट बट फिक्शन वुड भी कि हाँ यू नो Uh, मेरा नाम ईशान मार्वल है मैं भरमौर में असल में क्या है एक सी आई डी एजेंट हूँ मैं यहाँ पर एक जासूस हूँ और एक स्पेशल मिशन में हूँ सो यू नो बट एट द सेम टाइम यू डू रियलाइज़ फ़ैक्ट एंड फिक्शन आर नॉट वेरी क्लियर जो भी जैसे अब जो गुड uh, बुक्स जो भी नावल भी लिखते हैं कहीं ना कहीं क्या है वो भी तो एक इंसान ही लिख रहा है ना सो ऑब्वियसलीज साइकोलॉजी हिज सेटिंग हिज़ कल्चर हिज़ जो उसके आसपास की चीज़ें हैं वो उसे प्रभावित करती है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन इज स्टोरी राइट कहीं आप ऐसे ही कहीं से कहानियाँ तो लाते नहीं जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ आई वर टू राइट अ बुक और अ स्टोरी सो इट विल रिफ्लेक्ट माई माइंड यानी कि जो मेरे पहले के अनुभव है पहले मैं जैसे जर्नलिस्ट रहा हूँ या फिर दिल्ली में रहा हूँ वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं उस कहानी में आएँगी जस्ट एस अगर आप वो किताब लिखें चाहे एक ही चीज़ के बारे में लिख रहे हो हम जैसे मान लीजिए अगर मणिमेश मेले के बारे में लिख रहे हैं एक ही कहानी तो बहुत अलग होगा क्योंकि दो अलग इंसान लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं मैं लिख रहा हूँ और दोनों के अलग अनुभव है अलग फैमिली अलग परिस्थितियाँ हैं अलग सोचने की तरीके हैं दिशाएँ हैं सो या राइट सो बट या समटाइम्स जैसे हमने पहले ही बात की थी कि शायद एक कविता आपको हज़ारों फैक्ट से ज़्यादा एक कविता शायद आपको किसी चीज़ के बारे में बता सकती है एंड एट द सेम टाइम फैक्ट्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू यू नो कहीं ना कहीं देखिए नंबरों और शब्दों से खेलना एक बड़ा एक ये भी एक कला है तो जैसे फॉर इंस्टेंस यू नो फैक्ट्स अगर आप बात करें बी पी एल लाइन गरीबी देखा आपको पता है लॉट ऑफ यू आर द सच बैकग्राउंड तो जो गरीबी रेखा एक आपको सिंपल एक अगर आप सोचिए हाउ टू प्ले विद स्टेटिस्टिक सबसे आसान तरीका क्या है अगर आपको देश में गरीबी कम करनी है व्हाट विल यू डू तो मैं बताता हूँ जो गरीबी रेखा अगर आप यहाँ पर एक आपने रेखा बनाई है कि जो इंसान जो या परिवार क्या है दिन में बीस या तीस या चालीस रुपये से कम कमाते हैं वो क्या है गरीब हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं और बाकी लोग क्या है ठीक है तो सबसे आसान तरीका क्या हुआ गरीबी गरीबी हटाने का देश में आप गरीबी रेखा नीचे कर दो पहले अगर तीस रुपये था आप उसको बीस रुपये कर दो ऑटोमेटिकली जो इतने इन गरीब हट गए ना वो लोग नहीं रहे गरीब सो थिंग्स लाइक दैट यू नो अगर आप फैक्ट से खेले तो उसे फिक्शन बनाना भी बड़ा आसान है नाउ मूविंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी यू नो वट मेक्स अप अ स्टोरी एक कहानी में क्या क्या जाता है तो जैसे कुछ बेसिक अगर आप बात हम इफ़ आई वुड टॉक टू आई वुड से लाइक यू नो फॉर इंस्टेंस तीन चार चीज़ें जो और ख़ासकर जिन पे हम फोकस करेंगे एज पार्ट ऑफ योर कोर्स जो भी हम कविता या कहानी पढ़ेंगे सो वील फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स वो क्या है कैरेक्टर्स एंड सेटिंग मीनिंग एक किरदार है हर कहानी या फिर जो ये, उस पर इवन कविताओं में कि कौन बोल रहा है किस लिए बोल रहा है एट्सेट्रा सो so, क्या है किरदार होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं और सेटिंग से मतलब वो किस समय की कहानी है या किस समय की कथा है और क्या है उसका संदर्भ क्या है वॉट इज इट्स कंटेक्सट कहाँ पे लिखी गई है किन के बारे में लिखी गई है तो एज वी सेट जो फाइव डब्ल्यू सिक्स डब्ल्यूज़ हैं सो so इसमें क्या है आप हु हुट वाई वेन वेयर का जवाब देंगे नेक्स्ट फिर आ जाता है प्लॉट प्लॉट बेसिकली क्या है कथा का एक तरह से आप ढांचा कह सकते हैं जो बेसिक यू नो कि कहानी का मेन क्या है कहाँ से शुरुआत होगी बीच में क्या होगा धीरे धीरे एंड तक कैसे पहुँचेगी इस पर हम और बात करेंगे देन कम्स नरेशन स्टाइल कहानी बोली या लिखी किस रूप में किस स्टाइल में है और ये दो चीज़ें आपको हाउ बताती कि कहानी कैसे लिखी गई है तो नरेशन स्टाइल है और फाइनली थीम्स यानी कि जो मेन जो थीम्स क्या है जो मेन जो कहानी में जो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता है जो राइटर वो सब क्या है ठीक है सो नाओ विल टॉक अबाउट दीज इन मोर डिटेल फॉर इंस्टेंस यू नो लेट स्टार्ट विथ कैरेक्टर्स तो कैरेक्टर क्या है एक किरदार है आपको पता है हीरो विलेन हीरोइन साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होते हैं फिर बैकग्राउंड कैरेक्टर्स होते हैं सो यू नो एक जैसे क्या है और इन्हीं कैरेक्टर्स के किरदार के थ्रू कहानी आगे बढ़ती है चलती है और एक अच्छी कहानी के किरदार बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाए एंड डैट्स आवर स्टोरी नो थ्रू एसोसिएशन सो एक जैसे एक डेफिनेशन आती है कैरेक्टर्स की यू नो तो कई कैरेक्टर्स जैसे स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं प्रोटागनिस्ट है हीरो है अंटागनिस्ट विलेन ये सब जो आप बात कर रहे हैं पहले की कहानी पुरानी कहानी में बहुत क्लियर कट होता था देवता राक्षस या फिर हीरो विलेन धीरे धीरे क्या है अब जैसे अब मॉडर्न टाइम पे आ रहे हैं तो कई बार क्या है हम लोग थोड़ा इनसे खेलने लगते हैं विलेन थोड़ा हीरो टाइप का हो जाता है या फिर हीरो थोड़ा विलेन टाइप का होता है फॉर इंस्टेंस अगर आप जैसे क्या है ये जो क्या तेरे नाम टाइप की मूवी है या फिर दबंग ये सब में यू नो सो ऑल ऑफ दैट बट हाँ बेसिक एक जो ई एम फॉस्टर करके एक राइटर थे उनके अनुसार एक उन्होंने एक बेसिक डेफिनेशन दी थी कि दो तरह के कैरेक्टर होते हैं फ्लैट एंड राउंड फ्लैट यानी क्या फ्लैट प्लेन राउंड गोल तो फ्लैट कैरेक्टर से उनका मतलब था कि जो जैसे जैसे जो फ्लैट कैरेक्टर्स आपको जैसे बच्चों की कहानी में मिलेंगे यू नो चिल्ड्रन स्टोरीज कि बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर है वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं पूरी किरदार अच्छा है ब्लैक एंड वाइट सॉर्ट ऑफ यू नो सिंपल कैरेक्टर्स है उनके अंदर दिमाग में ज़्यादा क्या चल रहा है ये सब पे हम नहीं घुसते वो बस सिंपल एक कैरेक्टर है ठीक है मिस्टर ए मिस बी जो भी राउंड कैरेक्टर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स यू नो उनमें कई अलग अलग आपको शेड्स दिखेंगे एंड ऑल्सो क्या है कहानी के चलते चलते वो डेवलप होते हैं जैसे शुरुआत में हो सकता है एक कोई किरदार है जो कि बहुत ही एक ईवल कैरेक्टर है यू नो ही डज ऑल दीज बैड थिंग्स बट ग्रेजुअली कहानी में कुछ ऐसे घटनाएं घटती है एंड यू नो सर्टेन थिंग्स हैपन एंड यू सी द कैरेक्टर इवॉल्व कि वो कैरेक्टर बदलता है कहानी में सो दैट इज़ अ मोर डेवलप्ड नू एंडस्ट एंड दैट्स वॉट यू वुड कॉल से अ राउंड कैरेक्टर है ना उसके बाद देन एज वी वर टॉकिंग अबाउट नरेशन तो नरेशन के भी कई है कि नरेशन है कथा बताने का स्टाइल किस तरह से प्लॉट जो है उसको एग्जीक्यूट किया गया है तो कई तरीके जैसे यू कम अक्रॉस हेज थ्री मोस्टली जैसे यू you नो know, जैसे फर्स्ट पर्सन नेरेटिव जिसमें जैसे ग्रामर में क्या होता है फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन मैं हूँ सो so इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो मेरे नज़रिए से बोली जाएंगी जैसे कि इट विल गो लाइक मेरी कहानी होगी जैसे हाँ दिस इज़ माई स्टोरी आई एम डूइंग दिस आई 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 फर्स्ट पर्सन नेरेटिव क्योंकि फर्स्ट पर्सन स्पीकर सेकेंड पर्सन नेरेटिव आपको थोड़ा लिटरेचर में कम मिलेंगे क्योंकि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है उसमें यू करके बात हो गई यू नो बट सबसे ज़्यादा जो सबसे पॉपुलर ज़्यादातर अधिकतर जितनी भी कहानियाँ आप ज़्यादातर पढ़ते हैं वो सब क्या है थर्ड पर्सन नेरेटिव में होती है जैसे ग्रामर में थर्ड पर्सन कौन हुआ जिसके बारे में आप बात करते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन इज़ आई सेकेंड पर्सन इज़ यू सुनने वाला थर्ड पर्सन इज ही शी या फिर इट जो क्या है जिनके बारे में बात की जा रही है बट स्पीकिंग ऑफ नरेशन कथा बताने का स्टाइल थर्ड पर्सन वैसे ही है कि जैसे कि कोई अलग ही इंसान है या फिर एक अलग ही आवाज़ है जो आपको कहानी सुना रही है बाकी कैरेक्टर्स के बारे में जैसे ज़्यादातर कहानी ऐसी होती है ना कि एक बार का समय था वंस अपॉन अ टाइम देर अ किंग एंड अ क्वीन एंड सो द स्टोरी इज़ अबाउट द किंग एंड क्वीन बट समन एल्स इज़ नेरेटिंग इट कोई और सुना रहा है कौन है वो कुछ कुछ कहानियों में आपको बताया जाएगा कि कौन है वो शायद भगवान है जो भी है बट अधिकतर कहानियों में नहीं बताया जाता है एंड दैट इज़ वॉट यू यूजली कॉल्ड थर्ड पर्सन ऑफ नरेटर यानी कि एक ऐसा नरेटर कहानी बताने वाला जिसे सब कुछ पता है लेकिन वो कहानी का हिस्सा नहीं है तो ऑलमोस्ट एज इफ क्या है जो एक ऐसा नज़रिया जो आपको कहानी के प्लेन से बहुत ऊपर से देख रहा है और आपको सब कुछ बता रहा है ठीक है भगवान की तरह उसके अलावा कई स्टाइल्स है पिस्लरी जैसे लेटर टू लेटर एक कोई अगर नावल लिखा जाए वो क्या है मैं लेटर लिख रहा हूँ फिर उसका जवाब आ रहा है ऐसे ऐसे ये सब कई चीज़ें हैं ठीक है बट क्या मेन थिंग प्लॉट विल टॉक अबाउट द प्लॉट यू नो सो प्लॉट बेसिकली जैसे मैं आपको बता रहा था एक बेसिकली कहानी का आप ढांचा है जिसमें क्या है ज़्यादातर जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं इवेंट्स है इवेंट कहानी में उसमें लिखी जाती है तो बेसिकली क्या है आप तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अरिस्तू अगर आप जो ग्रीक uh, थियोरेटिशन थे तो फिलासफर थे बिगिनिंग मिडिल एंड और ये चीज़ देखिए इवन इन योर राइटिंग एक्सरसाइज इज ऑलवेज अप्रोच इट लाइक दैट यू नो बिगिनिंग मिडिल एंड इंट्रोडक्शन आप अपना कुछ आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद मिडिल में आप उसको डेवलप कर एंड फाइनली यू एंड इट राइट कंक्लूड योर थिंग तो ऐसी कहानी का भी है बिगिनिंग वो होगी जहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और घटनाएं और सेटिंग आपको बताई जा रही है धीरे धीरे जब ये सब हो गया फिर मिडल में क्या है फिर एक्चुअल एक्शन पिकअप करता है कुछ दिक्कतें आती है प्रॉब्लम्स आती है और उनका फिर समाधान ढूंढा जाता है और एंड में क्या है फाइनली ये जो प्रॉब्लम्स है कुछ न किसी न किसी, किसी तरह है। या तो घट जाती है या फिर इनका समाधान ढूंढा जाता है अगर हैप्पी स्टोरी है तो क्या है सब कुछ बढ़िया एंड होगा और अगर सैड स्टोरी है तो सब मर जाएंगे या फिर कुछ उस तरह का ट्रैजिक एंडिंग होगी है ना so, सो तो कहानी का ये जो उतार चढ़ाव है प्लॉट फॉलो करता है कि यू you नो know, कहानी कैसे एक्शन बढ़ रहा है फिर धीरे धीरे जा रहा है इमोशंस कैसे हैंडल हो रहे हैं किरदार एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं तो ऑल ऑफ दिस विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो पार्ट ऑफ योर प्लॉट तो टू मेक इट मोर क्लियर आई थिंक यू नो सो लाइक आई रियली लाइक डूइंग दिस ऑल्सो इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल रामायण जैसे है ना ये हम सबको पता है अच्छा नहीं बट बिफोर गोइंग टू दैट आई वुड वो से लाइक एक जो अच्छी जो अच्छा प्लॉट जो होता है वो क्या है किरदारों की वजह से ही जो कहानी की जो दुनिया आपने एक अलग छोटी सी दुनिया अलग दुनिया बनाई है इज तो द स्टोरी वर्ल्ड उन्हीं के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है अब जैसे कि जैसे होता है ना दर इज अ स्टोरी एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए ख़त्म कहानी सो व्हाट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी यू नो या फिर क्या है कभी कभार जैसे कोई पुरानी कहानियाँ होती थी जैसे बॉलीवुड के आपको अगर याद हो ठीक है बहुत टेंशन बिल्डअप हो गई हीरो या फिर ही जो भी है एंड में किसी को एकदम से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है <laughs> तो या फिर कुछ क्या है बाढ़ आ जाती है इस तरह की चीज एक्ट ऑफ गॉड तो बेसिकली वहाँ पे शायद आपको कहानी लिखने वाले को राइटर को और कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने बोल दिया ठीक है बाढ़ आ गई या फिर जो भी सो एनी हाव ऑल ऑफ दिस लेट्स डिस्कस नाउ प्लॉट राइट तो रामायण के उससे आप एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे यू नो प्लॉट को आप एक तरह से आप ढांचा बोल रहे हो तो एक तरह से टाइम लाइन करके हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे अगर एक ये रामायण का प्लॉट आपको ड्रॉ करना है सो यू नो सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड इट एंड्स हेयर यू नो ऐसे चलते हुए जा रही है कहानी धीरे धीरे बढ़ रही है ना अपने एंड तक सो so, शुरुआत में अगर आप देखें तो क्या है सबसे पहले क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आपको बताया जाता है कि एक अयोध्या नाम का राज्य है देर इज दिस किंगडम एंड देर इज किंग दशरथ एंड ही हैज ऑल दीज वाइफ एंड सन तो पूरा आपको सेटिंग बना दिया उसके बाद क्या है फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कहानी में क्योंकि अब आपको कुछ ना कुछ मसाला या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चाहिए सो द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कम्स इन वॉट एग्जाइल वनवास और कैसे क्या कह कई की स्टोरी आती है और धीरे धीरे क्या है मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए और धीरे धीरे आगे चलते चलते कहानी में साइड कैरेक्टर्स और आते रहेंगे शुरपनखा हनुमान जटायु बहुत कैरेक्टर्स हैं देन आगे बढ़ते बढ़ते वेर डू वी कम डाउन टू लाइक यू नो लॉट्स ऑफ साइड स्टोरीज़ भी होंगी राम क्या है अहिल्या को मिलते हैं वहाँ पे क्या है कोई या फिर श्रबरी यानी क्या नाम था उसे बेड़ देती अपने मुंह से निकाले हुए तो ये सब चल रहा है एंड देन सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कहानी का जो क्या है मेन जो प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है वॉट इज दैट विलन इंट्रोड्यूस हो गया है रावण आ चुका है और सीता को हरण कर लिया सीता हैज़ बिन शी हैज़ बिन एपडेड राइट करते करते अब धीरे धीरे क्या है अब यहाँ से फिर क्या है आपका क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है मान लीजिए द वॉर हैज़ बिगन अब क्या है पूरा युद्ध चल रहा है राम और रावण और हवानर सेना ये सब के बीच में एंड फाइनली जब क्लाइमैक्स खत्म होता है विल एंड इट हेयर इसके आगे भी कहानी है लव कुश ये सब सीता का को रिजेक्शन का रिजेक्शन ये सब बट हेयर द स्टोरी एंडस डेथ ऑफ रावण सो दिस इज़ बेसिकली अ प्लॉट अब इसमें आप जितने डिटेल्स भरते रहेंगे कैरेक्टर वगैरह भरेंगे तो ये पूरी फिर एक कहानी बन जाती है एक जब नरेशन स्टाइल वगैरह सब कुछ आपने इसमें डाल दिया बट ये जो ढांचा है बिगिनिंग मिडल एंड दिस इज वॉट इज नोन एज अ प्लॉट राइट और ये आप हर चीज़ का कर सकते हैं एज एन एक्सरसाइज यू नो जस्ट टेक एन यूफ़ यू फेवरेट मूवी और आप उसका प्लॉट समझने की कोशिश कीजिए फाइनली वी कम टू थीम्स यानी कि जो मेन कंसर्नस है मेन पॉइंट्स है वैल्यूज़ है जो इन कहानी में है या फिर सिम्बल्स सिम्बल्स एंड मोटिव जैसे कई बार क्या है आप चिन्ह इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए जैसे किरदारों के लिए जैसे कि कलर्स या फिर कुछ भी जैसे अगर आप कुछ को किसी को आप एक बताना चाहते हैं कि बहुत क्या है एक uh, रेडियंट इंसान है बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है सो यू मे बी कम्पेयर हिम विद द सन यू नो या फिर पहाड़ से थिंग्स लाइक दैट यू नो यू कैन यूज़ माउंटेन्स एज अ सिम्बल फॉर स्ट्रेंथ तो आप बार बार किसी को पहाड़ से कंपेयर कर रहे हैं या फिर वैसे ही जैसे यू नो अगर किसी को आप बहुत भोला बताना चाहते हैं तो आप उसको भीड़ से कंपेयर करते हैं सो यू नो यू कैन यूज़ सिम्बल्स इन मेटोफॉर्स इन चीज़ के हम बारे में बात करेंगे और भी बट अपार्ट फ्रॉम द थीम्स यू नो जेंडर थीम्स पोलिटिकल थीम्स रिलीजियस थीम्स की क्या बेसिकली मेन पॉइंट्स क्या है किसी कहानी के जो आइडियाज़ क्या है किसी कहानी को जो बनाते हैं जो आइडियाज़ उस कहानी का रूप लेते हैं या फिर जो आइडियाज़ क्या है वो कहानी रीडर के या फिर लिसनर के मन में डालती है सो दीज आर द थिंग्स यू नो फॉर इंस्टेंस यू नो अगर आपको जैसे रामायण के लेट्स गो बैक टू रामायण रामायण के थीम्स देखने सो टू स्टार्ट ऑफ लाइक द मोस्ट ऑब्वियस वन जो कि अधिकतर जो क्लासिकल पुरानी कहानियों का होता था और अभी भी इट्स वन ऑफ़ द कोर थीम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इज सेल्फ इनफैक्ट इंसानियत का यू नो गुड वर्सेस बैड राइट और उसी के चलते फिर जस्टिस एंड नियति ये सब काफ़ी कुछ आ जाता है नैतिकता मोरालिटी वैल्यूज़ इन सब पे लाइक यू नो यूजिंग राम एंड रावण एंड सिंपल्स यू नो उन्हें एक प्रतीक अगर मान के आप चले इन दो किरदारों को हीरो एक धर्म और दूसरा Uh, अधर्म या फिर गुड वर्सेस बैड दैट्स आट ऑफ थिंग यू नो ऑल इट्स नॉट एज सिंपल ऑल्सो बट जैसे कि हर कहानी के अलग अलग लेवल है जैसे अगर रामायण की कहानी आप किसी बच्चे को सुना रहे हैं सो so ऑब्वियसली आप उसे बहुत अलग तरीके से सुनाएंगे लेकिन अगर आप मान लीजिए उस पर रिसर्च करें तो आप एक एक असली जो ओरिजिनल श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में एंड बी वेरी डिफरेंट बट एनी हाउ थीम्स तो और क्या थीम्स हो सकते हैं जैसे आजकल अब जैसे स्पेशली धीरे धीरे जैसे यू you नो know, फेमिनिजम uh, या फिर क्या है स्त्रीवाद का जैसे अब जो कुछ पिछले सदी से uh, जो मूवमेंट चल रहा है तो उसके चलते क्या है आप फेमिनिस्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं सीता जो कि बहुत पॉपुलर है सीता पे कि क्या राम वाज राम करेक्ट इन सेंडिंग सीता वे क्या राम ने सही किया अपनी पत्नी को यू नो रिजेक्ट करके अपने घर से निकाल के सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन दीज जेंडर थीम्स वैसे ही यू नो इवन अगर आप जैसे दशरथ की बात करें तो हाँ चर्चा आप किसी पे भी चीज़ पे कर सकते हैं जैसे दैट इज़ व्हाट ह्यूमैनिटी इज इज अबाउट यू नो कि आप बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे सो या दैट्स इट नाउ इज़ थिंकिंग यू नो कि नाउ दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड ग्रेजुअली अब आपका जो प्रलिमिनरी क्लासेज आई थिंक वी आर डन नाउ सो अब एक साइड में वी विल कैरी ऑन योर ग्रामर मॉड्यूल्स और दूसरी तरफ क्या है आपका अभी आपके बुक्स हैं नहीं प्लीज़ बाई योर बुक्स बग्गा जी को बोल रखा है ट्राई टू गेट योर बुक्स या फिर आपके जो सीनियर्स हों शायद आपके आस पास गाँव में तो आप उनसे लीजिए फोटो करवा लीजिए कुछ कीजिए वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर बुक्स पहले तो फिर भी काम चल सकता था बट नाओ इस्पेली सो प्लीज़ बाई योर बुक्स सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड और फिर धीरे धीरे हम आपका क्या है अब कोर्स शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट विद पोइट्री फर्स्ट मे बी यू नो दैट विल बी ईजियर सो या योर बुक्स एंड वील टॉक